हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgi.com के इस चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। दोस्तों, आज हम लोग C++ लैंग्वेज के बारे में बात करने वाले हैं। मैं एक नए बैच की अनाउंसमेंट भी करूंगा और हमें क्यों C++ सीखना चाहिए इसके बारे में भी बात करता हूं। तो सबसे पहली बात, मैं बहुत सारे रीज़न आपको दे सकता हूं कि C++ आपको क्यों सीखना है, लेकिन पहला पॉइंट ये है कि ये दुनिया की चौथी सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये टायोबी इंडेक्स पर आप जाकर देख सकते हैं। अगर आप वेबसाइट को विजिट करेंगे टायोबी की, तो आपको पता चल जाएगा कि दुनिया की चौथी सबसे पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है C++। 1979 में बनी हुई है, तो काफ़ी पुरानी लैंग्वेज भी है। पुरानी लैंग्वेज होने के कारण आपको हिस्टोरिकली जो लैंग्वेजेस में एडवांसमेंट होते हैं, एक नई लैंग्वेज बनती है, तो पुरानी लैंग्वेजेस के एग्जिस्टेंस के बाद एक नई लैंग्वेज आती है, तो पुरानी लैंग्वेज की कुछ कमियों को भरपाई भी करते हैं और उससे कुछ सबक लेकर नई लैंग्वेज को बनाया जाता है। प्लस नई लैंग्वेज मॉडर्न एरा की नीड्स को भी फुलफिल करने के लिए बनाई जाती है। तो जब हम लैंग्वेजेस के डेवलपमेंट को समझना चाहते हैं, तो इट्स गुड आइडिया कि हम लोग C++ लैंग्वेजेस पहले सीखें। ध्यान रहे, C++ लैंग्वेज आने से पहले आपको सी लैंग्वेज आनी चाहिए, पर चिंता मत करिए, अगर आपको सी लैंग्वेज नहीं आती तो उसको भी सीखने का तरीका मैं अभी आपको बताता हूँ। पर फिलहाल C++ क्यों सीखना है? तो C++ सीखने का एक बड़ा रीज़न जो मैं मानता हूँ वो ये कि आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट सीखना है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिनको आप जानते हैं, जैसे जावा, जैसे पायथन, C#, और भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। और अगर आप ऑब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं, तो C++ इज़ द बेस्ट लैंग्वेज जिसमें आप इनको सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स को सीखते हैं, तो हम लोग कई बार सिर्फ ऊपरी तौर पे केवल डेफिनेशन पढ़ के संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में हमें वो सब्जेक्ट इसलिए भी टफ लगता है क्योंकि हम सिर्फ डेफिनेशन तक अपने नॉलेज को सीमित रख रहे हैं। हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमें इन चीज़ों को कब इम्प्लीमेंट करना है, किन सिनेरियो में इम्प्लीमेंट करना है, क्यों ये कॉन्सेप्ट्स बनाए गए, और ये सब कुछ आपको डिटेल में, डेप्थ में अगर सीखना है तो C++ इज़ द बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए बेसिस का काम भी करेगी C++ लैंग्वेज, अगर आपने C++ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखी हुई है तो। इसके अलावा C++ अपने आप में भी बहुत पॉपुलर है, इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल इंडस्ट्री में होता है। आप देखेंगे कि कई सारे गेम इंजन्स हैं जो C++ में बनाए गए हैं, कई सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ये C++ लैंग्वेज में बनाए जाते हैं। और आज भी कई जगह पर, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत अच्छी है और इसकी लो लेवल कैपेबिलिटीज़ के कारण ये बहुत जगह पर फिट बैठती है, इसलिए C++ लैंग्वेज आपको ज़रूर से आनी ही चाहिए। हाँ, अब हम बात कर सकते हैं कि C++ लैंग्वेज आने के लिए प्री रिक्वेसिट क्या है। तो देखिए, प्री रिक्वेसिट की जब हम बात कर रहे हैं, तो प्री रिक्वेसिट में है सी लैंग्वेज। आपको C++ के पहले सी लैंग्वेज आनी ही चाहिए। तो बात है कि सी लैंग्वेज आखिर हम कैसे सीखें। सी लैंग्वेज C++ के पहले बनी थी, लेकिन दोनों लैंग्वेज में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। हम ये बोल सकते हैं कि C++ इज़ अ सुपर सेट ऑफ सी लैंग्वेज। तो जब आप सी लैंग्वेज पढ़ते हैं, तो सी लैंग्वेज में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बेसिक सीखते हैं, वो सारे के सारे आपको C++ में दोबारा सीखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उसका सिंटैक्स, उसकी ग्रामर, उसको लिखने का तरीका सब कुछ सेम है। तो आप C++ आधी सीख जाते हैं अगर आपने सी लैंग्वेज को पहले कर लिया है तो। इसीलिए मैं कहता हूं कि C++ से पहले आपको सी लैंग्वेज आनी चाहिए। तो अगर आपको सी लैंग्वेज नहीं आती है, तो कैसे कैसे आप सीख सकते हैं। मैं आपको सी लैंग्वेज सीखने के दो रिसोर्सेज बता रहा हूं, एक फ्री रिसोर्स है और एक पेड रिसोर्स है। जब फ्री रिसोर्स की बात आती है, तो आपको सी लैंग्वेज की कंप्लीट प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है इसी यूट्यूब चैनल पर, आप उसको देख सकते हैं। इनफैक्ट मैंने एक नहीं, दो प्लेलिस्ट बनाई हुई है। अब ये दो प्लेलिस्ट कैसी हैं? एक प्लेलिस्ट थोड़ी पुरानी बनाई हुई थी, तो वो टर्बो सॉफ्टवेयर को यूज़ करके बनाई गई है। आपको उसका लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा पूरी प्लेलिस्ट का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको जो बाद में प्लेलिस्ट बनाई हुई है उसका भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आपको जिससे सीखना है उससे सीखिए, सी लैंग्वेज चेंज नहीं हो रही है, लेकिन हाँ, एक मैंने आपको पुराने सॉफ्टवेयर पर सिखाया है, एक थोड़ा नए सॉफ्टवेयर पर सिखाया है, तो इसका एक फ़र्क आ जाएगा। आपको जो फील अच्छा लगे आप उसको करिएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे आप मेरे को अगर नहीं जानते, आप पहली बार मेरे से मुखातिब हो रहे हैं, तो हो सकता है कि अभी आपको लगे कि यार मैं पेड कोर्स नहीं लेता, मुझे फ्री में पढ़ना है। तो ठीक है, आप इस फ्री वाले कोर्स को कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको अगर बताऊं कि अगर आप वाकई में सीखना चाहते हैं, तो पेड कोर्स आपको ज़रूर करना चाहिए। देखिए, हम कई बार क्या होता है, यूट्यूब से या किसी भी रिसोर्स से सीखना शुरुआत तो करते हैं,
लेकिन हम सही अमाउंट में उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। जब हमें कोई पर्सनली गाइड करने वाला नहीं होता, हमको खुद डेटा को कंज्यूम करना है। आपने वीडियो लगा लिया, आप सुन रहे हैं, कितना समझ में आ रहा है, कोई क्रॉस चेक नहीं हो रहा है, कोई टेस्ट नहीं हो रहा है, कोई प्रोग्रामिंग नहीं हो रही है, आपको अपनी मर्जी से जब जितना लगा आपने पढ़ लिया। ऐसे आप नहीं सीख पाएंगे, ऐसे आप उस स्तर पर नहीं सीख पाएंगे जो एक्चुअल में रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर ज़रूरी होता है इंस्ट्रक्टर, यहाँ पर ज़रूरी होता है कि पर्सनलाइज्ड अटेंशन के साथ आप चीज़ों को सीखें। तो वहां पर आपको पेड कोर्स लेना चाहिए। तो पेड कोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो वो भी ऑप्शन यहां पर अवेलेबल है, और वो ऑप्शन के बारे में भी लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। एक कोर्स मैंने अभी रिसेंटली लॉन्च किया था जो कि लाइव बैच था, लेकिन अभी वो एंड हो चुका है। ये बैच करीब 15 मार्च से स्टार्ट हुआ था, सी लैंग्वेज विद लॉजिक बिल्डिंग। अभी वो लाइव नहीं है, अभी वो एंड हो चुका है, लेकिन आप उस कोर्स को अभी भी परचेस कर सकते हैं और लाइव क्लास के रिकॉर्डिंग्स को देख सकते हैं। तो फ़ायदा क्या है, आप जब उन रिकॉर्डिंग्स को देखेंगे तो लाइव क्लास में जैसे पढ़ाया गया वही चीज़ की रिकॉर्डिंग है, तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। प्लस आपको उसमें असाइनमेंट्स मिलेंगे और हर असाइनमेंट का सोल्यूशन भी मिलेगा। तो सोल्यूशन होने की वजह से आप अपने परफॉर्मेंस को भी चेक कर सकते हो कि आपने जो प्रोग्राम बनाया वो कैसे बनाना चाहिए था, क्योंकि केवल सोल्यूशन नहीं बताया, उसकी अप्रोच भी बताइए कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सोचना कैसे होता है। तो सी लैंग्वेज सीखने का जो मकसद होता है वो ये है कि हम प्रोग्रामिंग सीखें। हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक इंग्रेडिएंट तो सीखेंगे कि लूप कैसे लगाते हैं, इफ एल्स कैसे लिखते हैं, ये सब तो हम सीखेंगे ही, लेकिन साथ में प्रोग्रामिंग कैसे, सोचते कैसे हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सोचना कैसे, वो भी हम सी लैंग्वेज के माध्यम से सीखते हैं। और ये लेवल अचीव हो जाने के बाद अगला लेवल होता है सी प्लस प्लस सीखना, और उसके लिए मैं बैच का अनाउंसमेंट अभी करने जा रहा हूँ। तो सी प्लस प्लस का ये जो नया बैच आ रहा है ये एब्सोल्यूट बिगनर्स के लिए, जिसको भी सी लैंग्वेज आती है वो इस बैच को ज्वाइन कर सकता है। ये एब्सोल्यूट बिगनर्स के लिए है और ये एडवांस लेवल तक भी जाता है, यानी कि इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन डेप्थ समझाई जा रही है, एग्जांपल्स के साथ समझाई जा रही है, असाइनमेंट्स के सपोर्ट के साथ समझाई जा रही है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली क्या होती है, कब आपको उसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे उसको इंप्लीमेंट करना है, वो इन डेप्थ नॉलेज आपको इसमें मिलेगा। तो अगर आप इस C++ के बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये बैच लाइव क्लासेस के रूप में आपको मिलने वाला है। 22 यानी 22 मई से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, 22 मई 2023, यानी कि 22 मई 2023। ये बैच की जो क्लासेस रहेंगी वो रात को 9 बजे की क्लास रहेगी, 9 बजे से लेके 10:30 बजे तक, यानी कि 1.5 घंटे की इसकी क्लासेस रहेंगी। अल्टरनेट डेज पर ये बैच रहने वाला है। तो आप अगर इस बैच को ज्वाइन करते हैं और मान लीजिए कभी कोई क्लास आपसे मिस हो जाती तो हर लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग रहेगी, जिसको क्लास ख़त्म होने के आधे एक घंटे बाद अपलोड कर दिया जाता है, तो आप उसको देख सकते हैं कितनी भी बार। ये जो कोर्स है इसको जब आप परचेज करते हैं तो ये 2 साल का सब्सक्रिप्शन आपको इसका मिलता है, यानी 2 साल तक आप इसके कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। इसमें आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है कोर्स कंप्लीशन का, इसमें आपको ढेर सारे असाइनमेंट्स मिल रहे हैं, लगभग 200 प्रॉब्लम्स उसमें करने के लिए आपको मिलती हैं, जिनके सॉल्यूशंस भी आपको मिलते हैं वीडियो फॉर्म में, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। साथ ही इस कोर्स के दौरान, ये लगभग 2 महीने चलने वाला है कोर्स, और इस कोर्स के दौरान आपको मैं डाउट हैंडलिंग भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, डाउट हैंडलिंग का सपोर्ट भी क्लास में प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप अपने सवाल भी ड्यूरिंग क्लास पूछ सकते हैं और उनके सॉल्यूशन भी हम डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट जो असाइनमेंट्स हो रहे हैं उनके सॉल्यूशन भी आप डिस्कस कर सकते हैं क्लास के अंदर। तो ये बेनिफिट आपको मिलेगा और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स में इन डेप्थ बात हो पाएगी। अब आपका सवाल ये होगा कि इस बैच में एडमिशन कैसे लेना है। तो एडमिशन लेने के सिंपल तरीके हैं। सबसे पहले अगर आप बैच की कंप्लीट डिटेल जानना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट है saurabhshuklaclasses.com, वहाँ पर विजिट करके आप बैचेस में इसका लिंक देख सकते हैं और पूरी डिटेल को आराम से पढ़ सकते हैं। मैंने डायरेक्टली आपको इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया हुआ है, आप उसको चेक कर लीजिए, आप इस साइट पर विजिट कर लीजिए, पहले अच्छे से पढ़ लीजिए सारी चीज़ें कि क्या इस कोर्स में कवर होने वाला है, क्या सब फैसिलिटीज़ हैं और कौन इसको कर सकता है, सब कुछ देखने के बाद ही आप एडमिशन लें। और अगर आप सभी चीज़ों से संतुष्ट हैं तो मैं डायरेक्ट लिंक भी प्रोवाइड कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, सीधे आप पेमेंट करके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। समय समय पर बैच ज्वाइन करने पर कुछ ऑफर्स भी निकलते हैं, उस ऑफ़र की जानकारी भी मैंने इस डिस्क्रिप्शन में रखी हुई है, पर वो ऑफ़र्स लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं, यानी कुछ समय बाद हो सकता है वो ऑफ़र ना रहे,
तो जो ऑफर है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिखा हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा और उस ऑफर को अप्लाई करके जो भी पॉसिबल डिस्काउंट आपको मिल सकता है वो आप ले लीजिएगा। इस कोर्स के दौरान आपकी क्योंकि डाउट हैंडलिंग भी होगी तो यहाँ पे एक डिस्कशन फोरम की फैसिलिटी भी है, तो आप लोग आपस में जितने स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया वो आपस में भी एक दूसरे से डाउट शेयर कर सकते हैं और उनके जवाब भी एक दूसरे को दे सकते हैं। अब इस कोर्स को अटेंड करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, चाहे तो आप लैपटॉप के थ्रू भी इस कोर्स को अटेंड कर सकते हैं या फिर आप मोबाइल ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं। यदि आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं तो एंड्रॉयड की मोबाइल ऐप हमारी है माई सर्जी प्रीमियम नाम से, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, इस पर फ्री रजिस्ट्रेशन हो जाता है और यहीं से आप कोर्स परचेस करके इसको देख सकते हैं, या कोर्स आपने वेब से भी परचेस किया होगा तो भी वो यहाँ पर दिखेगा, आपको दो बार अलग से परचेस करने की ज़रूरत नहीं है, वो एक ही बार जब आपने कोर्स परचेस किया उसको आप मोबाइल पे भी देख सकते हैं, आप उसको लैपटॉप पे भी वेब पे देख सकते हैं। तो जो हमारी वेबसाइट है premium.mysurgery.com वहाँ पे आपका अकाउंट बन जाता है जहाँ पे आप अपने पूरे कोर्स को ट्रैक कर सकते हैं, वहीं पे सारे आपको कंटेंट भी मिल जाएगा, आपको असाइनमेंट्स भी मिल जाएंगे, सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, एक ही जगह पर आपको अपनी पूरी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी दिखाई देती है कि आपने कितना अभी कवर कर लिया है, कितना और बाकी है। हाँ, प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए जिस पे आप प्रोग्रामिंग करके देखेंगे, और इसके लिए मैं बोलूँगा कि आप मोबाइल पे केवल डिपेंडेंट ना रहें, मोबाइल पे आप क्लास अटेंड कर लें भले, लेकिन आप प्रैक्टिस करने के लिए लैपटॉप या कंप्यूटर का इस्तेमाल करें। जो सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन की ज़रूरत रहेगी वो मैं क्लास में बताऊँगा क्या इंस्टॉल करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए आप बिल्कुल चिंता ना करें, बाकी जो भी सपोर्ट लगेगा वो हम लोग यहाँ से प्रोवाइड करेंगे आपको। तो अगर आपको इस कोर्स में ज्वाइन करने का इंटरेस्ट है और आप मेरे से लाइव पढ़ना चाहते हैं, सारी क्लासेस लाइव मैं ही लूँगा, कोई और फैकल्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो देर मत कीजिए, 22 मई में आपको ज़्यादा टाइम नहीं है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, सब कुछ लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय।